स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं अभिव्यक्ति और संचार माध्यम के अंतर्गत जो पाठ है, जो विषय है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है फीचर रिपोर्ट आलेख। अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट मैंने प्रतिवेदन, प्रतिवेदन क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य परिणाम, जांच या प्रगति की सही सही तथा पूरी जानकारी देना होता। अतः किसी कार्य या किसी योजना, परियोजना या कार्य के नियोजन एवं कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसके ब्योरे के प्रस्तुतीकरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। मालूम परीक्षा में आता है और आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे कहते हैं, तो आप ये लिखें कि योजना, परियोजना या कार्य योजन एवं कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसका जो ब्योरा प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। जैसे किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी। आजकल यह जो है रेडियो, टीवी एवं अखबार की विशिष्ट विधा है। अब प्रतिवेदन के गुण, प्रतिवेदन के जो गुण है वो कौन से है? पहला, प्रतिवेदन स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो न ही मुहावरेदार, उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। प्रथम पुरुष में मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी तथ्य सत्य, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो तथा संक्षिप्तता। रिपोर्ट का एक उचित शीर्षक आवश्यक है। विषय लंबा होने पर उसे अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। फिर प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक या सभा, दल, संस्था के अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, हस्ताक्षर करना चाहिए। तो ये हमने आपको पढ़ाया प्रतिवेदन के गुण और प्रतिवेदन की परिभाषा या प्रतिवेदन किसे कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है प्रतिवेदन के प्रकार। क्या है यहाँ पर? प्रतिवेदन के प्रकार। अब प्रतिवेदन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रतिवेदन के प्रकार हैं यहां पर दिया हुआ है। पहला कि सभा गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन, ठीक है। दूसरा, संस्था, विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक, मासिक प्रतिवेदन। तीसरा है व्यवसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। चौथा, जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। अब आता है विशेष रिपोर्ट। किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्टों को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण से उनके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। अब आता है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। सबसे पहले आता है खोज रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें रिपोर्टर मौलिक शोध या छानबीन के जरिए ऐसी सूचना तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं गड़बड़ियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट। दूसरा, इन डेटा रिपोर्ट। इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया। फिर आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना, समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। व्याख्या, फिर आप विवरण
समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आता है विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली। इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कभी कभी फीचर शैली का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रतिवेदन समाचार से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। यदि रिपोर्ट बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। अब आता है प्रतिवेदन लिखने की विधि। प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तथ्यों को क्या कर लेना चाहिए? एकत्र कर लेना चाहिए। जैसे संस्था का नाम है, बैठक है, सम्मेलन है, सभा का नाम है, एकदम उद्देश्य। फिर आता आयोजन स्थल का नाम, आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, जैसे अध्यक्षता, मंच का संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य, गतिविधियों की जानकारी, जैसे भाषण की प्रमुख बिंदु या सुझाव की जानकारी। फिर आता है निर्णयों की जानकारी, कोई भी प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति का उल्लेख। फिर आता है प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी। इस प्रकार से अब आता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। मान लीजिए प्रतिवेदन लिखने के लिए आता है, प्रतिवेदन आपको तैयार करने के लिए आता है, तो ये आएगा गत 18 जनवरी 1918 को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। पूरे विद्यालय को सजाया गया था। हम सभी ने बड़ा जोश और उत्साह था। ठीक 2 बजे सरस्वती पूजन के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्री इंद्र सिंह परमार जी ने दीप प्रज्वलित किया, गायक की छात्राओं ने बैंड के साथ स्वागत कर सलामी दी। तत्पश्चात शाला की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गीत, नृत्य, नाटक इत्यादि सभी प्रस्तुति मंत्रमुग्ध करने वाली थी। तत्पश्चात प्राचार्य ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्होंने छात्राओं के लिए एक सभागार की कमी का उल्लेख किया। प्राचार्य के बाद प्रस्तुति का उद्बोधन हुआ। उन्होंने विद्यालय की गुनगुनी प्रशंसा की तथा सभागार के लिए लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। विद्यालय प्रांगण कार्यों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने प्रतिभाशाली छात्रों को उन्नति की दिशा में बड़ी बढ़ने की प्रेरणा दी और उनके प्रोत्साहन के लिए कई पुरस्कार योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के अंत में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार यह कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। ये एक प्रतिवेदन है जो इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है आलेख। अब क्या आता है? आलेख। आलेख दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? आ उपसर्ग प्रकट करता है लेख सर्वांग गुण और सम्यक को। तो लेख अर्थात किसी एक विषय पर उससे संबंधित विचार। अतः आलेख जो है गद्य लेखन की वह विधान है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांग गुण तथा सम्यक विचार होते हैं। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, राजनीति, फिल्म आदि। आलेख के अंत पहला है भूमिका। यह विषय के अनुरूप होनी चाहिए, बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में हो। दूसरा विषय का प्रतिपादन, इसमें विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप और चिंता है। दूसरा विषय का क्रमिक विकास होता है। तीसरा विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर आता तुलनात्मक चर्चा, विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष अंत में विषय का निष्कर्ष होता है। आलेख के गुण, आलेख के कौन कौन से गुण होते हैं? आलेख में विचार होती है, यह विश्लेषण शैली में लिखा जाता है। आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए और विचार स्तर विभाग होनी चाहिए। भाषा सरल, सुगम और प्रभावशाली होनी चाहिए। आलेख ज्वलित मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्ति, चरित्र एवं अवसरों पर लिखे जाते हैं। इसमें एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाता। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया। ये एक
तारीफ है। आप देखिए कैसा है, आज विज्ञापनों का बोलबाला है, उद्योगपति अपने उत्पाद को विज्ञापनों के लुभावने आवरण में लपेट कर ऊंचे दामों पर बेचने की कला में माहिर है। जिधर देखो विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार करते रंग बिरंगे विज्ञापन दिखाई देते, अखबार टीवी पत्रिकाएं दीवारें गलियां बाजार सब विज्ञापनों से भरे पड़े। विज्ञापनों को नित्य आकर्षण बनाने की ओर लगेंगे बड़े बड़े कलाकार भी अच्छे धन प्राप्त करने के लालच में घरेलू उपयोग की वस्तुओं का प्रचार करते नजर आते हैं। गोरा बनाने वाली क्रीम, बाल घने लंबे मजबूत करने वाले शैंपू, बर्तन कपड़े चमकाने के साबुन इत्यादि अनेक अनेक प्रभाव में विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इनके आकर्षण में फंस कर जो ग्राहक का असमंजस में पड़ता है, समझ में नहीं आता कि वह क्या खरीदे और किससे मतलब क्या करे, तो कभी कभी ये विज्ञापनों के मशहूर ग्राहक जब सामान खरीदता रहता है तो परिणाम उसकी अपेक्षा कभी कभी विपरीत होता है। जैसे आज की इस विज्ञापन दुनिया में उपभोक्ताओं को सतर्क रखने की क्या है आवश्यकता है, हमें चाहिए कि हम इन लुभावने विज्ञापनों के माया में ना फंसे और जिन वस्तुओं की गुणवत्ता के विषय में हमें जानकारी हो जिसका हमने प्रयोग किया हो उनका इस्तेमाल करें। हम स्वयं भी और अपने परिवार आस पास के लोगों को विज्ञापनों की सुहावनी दुनिया से क्या करें सतर्क रखें, ये आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज हम अभी पढ़ेंगे फीचर लेखन, क्या पढ़ेंगे फीचर लेखन। अब देखिए फीचर लेखन का अर्थ क्या, मनोरंजन पूर्ण समाचार, इसका अर्थ क्या है मनोरंजन पूर्ण समाचार। फीचर अर्थात नए नक्श या चेहरा, जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है उसका चेहरा पूरी तरह से उभर आए तो उसे फीचर लेखन कहते हैं। फीचर में पहला स्थान मनोरंजन का होता है और दूसरा समाचार का, अर्थात तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, फीचर की विशेषता कहला। इसके संवादों में गहराई होती है, यह सुव्यवस्थित सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य सूचना शिक्षा देने के साथ साथ मनोरंजन करना है। इसमें विस्तार होता है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान का समावेश होता है, इसमें तत्व कथन के साथ कल्पना का भी समावेश होता है। फीचर में आंकड़े फोटो कार्टून चार्ट नक्शे आदि का प्रयोग करके रोचक बनाते हैं। अब आता है फीचर के प्रकार, कौन से अनेक प्रकार हो सकते हैं, समाचार फीचर, व्यक्तिगत परक है ना, सांस्कृतिक फीचर, विश्लेषण फीचर, घटना परक, लोक अभिरुचि फीचर, साहित्यिक फीचर और विज्ञान फीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है फीचर एवं समाचार में अंतर। पहला आता है फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय का दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर देते हैं। फीचर लेखन की भाषा सरल आकर्षक होती है जबकि समाचार की भाषा सपाट बयान होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, समाचार पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता जबकि समाचार का नहीं। अब आता है फीचर लेखन की आवश्यकता, जैसे फीचर लेखन के तत्व को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए, दूसरा कहानी ऐसे अंदाज प्रस्तुत किया कि पाठक को महसूस हो कि देख खुद देख और सुन रहे। फीचर मनोरंजक सूचनात्मक होना चाहिए, फीचर शोध रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, फीचर का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं और तथ्य विचार गुथे हुए होना चाहिए। फिर आता है फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें गति एवं प्रमाण, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, हर पैराग्राफ में एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाए। फीचर लेखन में कोई निश्चय नियम नहीं होता, इसे कहीं से भी प्रारंभ अंत या मध्य किया जा सकता है। फीचर में तथ्यों सूचनाओं विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण का विश्लेषण होता है। फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाता है और फीचर सजीव लगे इसके लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। अब आता है कि आप देखिए फीचर लेखन क्या है, नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व फीचर लेखन के, तो इसमें क्या आएगा, हमारे देश में प्राचीन काल से ही नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, नदियों को पूज्य मानकर उनकी पवित्रता की रक्षा की जाती है, गंगा यमुना को मैया कहकर पूजा जाता है। विगत वर्षों से नदियों का जल गंदा होता रहा, गंगा नदी की पवित्रता दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है, प्रदूषण की शिकार हो गई। गंगा के साथ साथ अन्य नदियों का भी यही हाल है और नदियों को स्वच्छ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य, क्योंकि इसके कई कारखानों का बचा अवशेष नदियों में फेंका जाता है।
जाता है, आम नागरिकों द्वारा घर के कपड़े धोना, मूर्तियों का विसर्जन, पूजा सामग्री को फेंकना, मटकों का क्रियाकरण करके नदियों के जल को प्रदूषित किया जा रहा है, मनुष्य को श्रम स्तर सब पर क्या करनी चाहिए, रोक जो है लगानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारखाने के मालिकों का सरकारी एजेंसियों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयत्न करना होगा। नदियों का जल स्वच्छ बनाने यही मानव हित में है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का संपूर्ण जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और पानी पीने योग्य नहीं बचेगा। अभी 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 भी क्या है समय है मनुष्य स्वयं का नियंत्रण करना सीखे, सचेत हो जाए, अन्यथा प्रदूषण संपूर्ण धरा का विनाश कर देगा और जल ही जीवन है, इसे संभाल कर रखना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जल संचार माध्यम के अंतर्गत जो फीचर लेखन है, आलेख, प्रतिवेदन पढ़ाया, आप इसको कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।